हेलो एवरीवन, देखो गाइस, 99 स्टोरी तो पॉलिटिकल ड्रामे की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो कुछ अलग खोजने के ट्राई करते करते मैं आज एक अच्छी सी स्टोरी लेके आई हूँ और उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है। सबसे अच्छी बात, एक ही पार्ट में ख़त्म होगा, शॉर्ट ड्रामा है। एपिसोड स्टार्ट करो इससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एक कपल की शादी होने वाली थी। ड्रामे की फीमेल लीड मिनमिन और ड्रामे का मेन लीड रोंगसेन, इन दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे के साथ डेट करने के बाद आज फाइनली शादी करने के बारे में सोचा हुआ था। और इवन जो रोंगसेन था वो डिसेबल था। ये दोनों साथ में तो बहुत पहले से रहते थे लेकिन फॉर्मली शादी वाला फंक्शन हुआ नहीं था। जैसे हमारी मिनमिन शादी के डिपेंड में पहुंची तो सबके फोन पे एक वीडियो आया जिस बात की वजह से सब लोग शौक में, इवन जो रोंगसेन था वो भी शौक में। तभी वहां पर एंट्री लेती है ड्रामे की दूसरी वाली फीमेल जिसका नाम सिसी होता है। सिसी आने के बाद वो बोलती है शादी नहीं हो सकती और उसके बाद सिसी मिनमिन के सामने जाके उसे फोटो दिखाती है। दरअसल जो मिनमिन थी वो कहीं पे तो मतलब नेकेड थी और वो सारे वीडियोज फोटोज वायरल हो रखे थे और सब लोग मिनमिन को भला बुरा कहने लगते हैं। मिनमिन तो शौक में, अब कौन सी लड़की जाएगी उसकी शादी के दिन पर ही ऐसा कारनामा शो हो। और मिनमिन कुछ फ्लैशबैक याद कर रही थी जहाँ पर कुछ बहुत गलत हो रहा था, अब ये तो क्लियरली नहीं दिखाया। और उसके बाद मिनमिन रोंगसेन को बोल रही थी ये सब गलत फहमी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बहुत कुछ बातें मुझे तुम्हें बतानी है। रोंगसेन भी शौक में था, वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी बस इसलिए करना चाहती थी ताकि अपनी रेपुटेशन को बचाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, ये शादी कैंसिल बोल के वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और मिनमिन तो उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि ये सब ट्रैप है मुझे फंसाने का, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। इवन वो मिनमिन के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाने लगता है। मिनमिन बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, वो उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, बिल्कुल कुछ भी वो नहीं करता। और उसके बाद रोंगसेन उसके सामने ही बोलता है मैं सिसी से शादी कर रहा। और उसके बाद जो सीसी थी वो मिनमिन के कान में आके बोलती कि मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो डिसेबल हो या ना हो। ऐसे भी मिनमिन को थोड़ी फ़र्क पड़ता था। और उसके बाद मिनमिन बहुत सैड और रोंगसेन से पूछती है क्या तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखता, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी अपने जान पर खेल कर और 3 साल तक मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद जो रोंगसेन था वो बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगा इन रिटर्न। ये सुनने के बाद मिनमिन का सारा भरोसा और यकीन प्यार से उठ गया। वो बोलती है तुमने मेरे 3 साल की भरोसा और जो भी एफर्ट मैंने रिलेशनशिप में लगाया था उन सब का सिला ए दिया, कोई बात नहीं अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं भी मरे नहीं जा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। मिनमिन अपने घर पे होती है अगले सीन में जहाँ पर अपसेट होकर बैठी हुई थी। एक मैन आता है जो मैक्स में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैन था और वो उसे बोलता है क्या तुम्हें बदला लेना है। ये सुनने के बाद मिनमिन डर जाती है, मतलब कोई 6 फुट का आदमी अंदर मास्क में आके ये बोलेगा तो नॉर्मल था, कोई भी डर जाता। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वो मिस्ट्रेस मैन बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हें बदला लेना है तो। ये सुनने के बाद मिनमिन बोलते हैं तुम हो कौन, तभी मिस्ट्रेस मैन बोलता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहती हो बदला लेना तो। मिनमिन बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो मिस्ट्रेस मैन बोलता है तुम अपने दोस्त और अपने फियांसी से बदला नहीं लेना चाहती लेकिन तुम्हारी माँ की मौत के लिए तो ले सकती हो ना। मिनमिन बोलते मेरी मॉम की बस नॉर्मल नेचुरल डेथ थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर जोशीसी थी वो मिनमिन की मॉम का ऑक्सीजन वाला मास्क उतार रही होती है, यानी कि वो खून था। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब भी तुम्हें बदला नहीं लेना या फिर ऐसे कोने में रोते रहोगी और कोने में बैठोगी रोते हुए। ये सुनने के बाद मिनमिन बोलती है क्या करना है मुझे। ये सुनने के बाद मिस्ट्रेस मैन बोलता है तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा हर चीज़ की एक कीमत होती है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो शायद उसकी कोई कीमत है। मिनमिन बोलती है बताओ क्या कीमत। तभी वो मिस्ट्रेस मैन बोलता है मुझे कुछ चाहिए और उसके बाद वो मिनमिन के होठो को सहलाने लगता है। तब तो आप समझ गए होंगे वो कौन सा कीमत मांग रहा है। मिनमिन बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे अपने मॉम की मौत का कुछ एविडेंस मिलने वाला है तो मैं सब कुछ करूँगी जो तुम बोलोगे। उसके बाद जो मिस्ट्रेस मैन था वो अपने टाई को मिनमिन की आंखों में बांधता है और उसके बाद अपना मास्क खोलता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है मिनमिन जब आँखें खोलती है तो वो सबसे पहले ये सोच रही थी कि ये कौन है और दूसरी बात ये सच्ची में मुझे कुछ एविडेंस देगा और तीसरी बात वो ये भी सोच रही थी कि क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए
मतलब एक अनजान इंसान पे वो भरोसा कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीसी आती है। सीसी मिनमिन को किसी और मैन के साथ देखने की बात तो शौक में आती है और उसे बोलती कि क्या बात है, कल तुम्हारी फियांसी ने तुम्हें छोड़ दिया और रात हुई तुम किसी और मैन के साथ देर तक आ पहुंची, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई हो क्या। मिनमिन बोलती है एक्चुअली क्या है ना, वो क्रीपी इंसान और डिसेबल इंसान के साथ तो मेरा कुछ हो नहीं रहा था और उसने तो मुझे छोड़ दिया, चलो सुखाले में बच गए। पता है भरी जवानी में मेरी ना पूरी लाइफ वेस्ट होने वाली थी और ऐसे भी मैं तो थक चुकी थी इन सबसे। और अगर तुम्हें उसे रखना है तो कोई बात नहीं, शौक से रखो, ऐसे भी तुम प्रेगनेंट हो, तुम्हारा क्या होगा, और मैं तो जवान हो खूबसूरत हूँ, मेरे भी तो कुछ अरमान है ना। तो मैंने सोचा जो चीज़ उससे ना होता वो मैं किसी और के साथ ट्राई करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी मुझे तो बड़ा मजा आया, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड बोलती है। और ये सुनने के बाद शीशी को गुस्सा आ रहा था, वो उम्मीद कर रही थी कि मिनमिन रोएगी चिल्लाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शीशी उस मिस्ट्रेस मैन की तरफ देखती है और वो बोलती है कि मुझे लग रहा है मैंने इसे कहीं तो देखा हुआ है। और उसके बाद वो उसे ऐसे भी बोल देती है कि तुम वाइल्ड मैन हो, और उसे तमाचा भी लगाने वाली थी, मतलब मैडम एक नंबर की ओवर स्मार्ट। और वो मिस्ट्रेस मैन उसके हाथ को पकड़ता है और वो बोलता है शुक्र मनाओ मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, वरना मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ कर नहीं यहीं पर फेंकवा देता, और मैं कोई तुम्हारा फियांसी या फिर तुम्हारा यार नहीं जो तुम्हारी बदतमीजी सहूंगा, बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी सीसी बोलती मैं यहाँ पर काम की वजह से आई थी। तब जाके पता चला जो मिनमिन थी, मिनमिन ने रोंगसेन से पेपर मैरिज तो पहले किया हुआ था, बस फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग मैरिज कर रहे थे, और वही टूटा, यानी कि जो सीसी थी वो यहाँ पर डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए आई थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें जल्द से जल्द आना पड़ेगा डिवोर्स साइन करने के लिए। मिनमिन बोलती है कोई बात नहीं। जब वो वहाँ से चली जाती है तो मिनमिन की आंखों से आंसू आ रहे थे, बेचारी अब 3 साल से एक बंदे के साथ इतने ज़्यादा अटैच होकर रह रही थी तो अब बुरा तो लगना ही था ना, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। और मिस्ट्रेस मैन मिनमिन को बोलता है तुम इतनी वीक हो क्या, आर यू श्योर तुमसे बदला हो पाएगा, मुझे नहीं लगता तुम बदला ले पाओगी, ये देखो किसी के दो बात कहने पे तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो नहीं ले पाओगी बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद मिनमिन बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बंदा बोलता है अगर ऐसी बात नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि तुम्हें अब से बहुत कुछ झेलना है, क्योंकि तुम्हारा बहुत कुछ वायरल हो चुका है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से तुम्हें अपने हर जगह पे उन लोगों को आंसर देना पड़ेगा। रिजल्ट भी सेम होता है। मिनमिन जब ऑफिस पे जाती है तो वहाँ पर सब लोग मिनमिन को बहुत बड़ा बुरा कह रहे थे, उसके कैरेक्टर पर उंगली डाल रहे थे, और यहाँ पर उस के बारे में ये भी चीज़ वायरल हुआ था कि वो किसी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी थी अपने फियांसी को छोड़ने के बाद। मिनमिन को पहले तो बहुत बुरा लग रहा था, बाद में वो याद करती है उस मिस्ट्रेस मैन के वर्ड्स कि तुम क्यों बुरा फील करोगे, तुम्हें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और वो वापस आती है उस बुली गैंग के पास और वो बोलती है अगर तुम लोगों ने बकवास बंद नहीं किया तो मैं तुम सबको काम से निकलवा दूंगी। ये सुनने के बाद सब का मुंह बंद होता है और उसके बाद मिनमिन जाती है सीधा रोंगसेन के ऑफिस पे, जहाँ पर जो रोंगसेन था वो सीसी के साथ चिपक रहा था, उसके जो पेट होता है ना उसको फील कर रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट जो थी। और ये देखिए मिनमिन को थोड़ा बुरा तो लग रहा था और सीसी यही तो दिखाना चाहती थी। और उसके बाद मिनमिन उसके पास जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर काम की वजह से आई थी। और उसके बाद रोंगसेन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, वो तो वही उससे बुली करने के मूड पे था, उसे शो भी नहीं कर रहा था। और जो मिनमिन थी वो बोलती कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे गिर गिराऊंगी या कुछ भी करूंगी। रोंगसेन उसे डिवोर्स पेपर देता है और सीसी पकड़ती है और बोलती कि चलो ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म करो, लेकिन उसके पास जाने के बाद वो पेपर गिरने का ड्रामा करती है और वो बोलती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ऐसे झूठ नहीं सकती, तो क्या तुम मेरे लिए पेपर उठा के दोगी। इस दुनिया के बाद मिनमिन को तो लग रहा था इसको ना मैं इसके दांत तोड़ूं, वो बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं कर लूंगी मैं इतना तो। और उसके बाद जो सीसी थी वो यहीं पर नहीं रुकती, इवन उसके जो मार्क्स थे यानी कि लॉप बाइट कल रात के थोड़े कारनामे बची हुए थे एविडेंस, वो ऐसे दिखा के बोलती कि क्या बात है तुम तो किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड करके आई हो क्या, इतने सारे लॉप बाइट। और उसके बाद जो रोंगसेन था उसका तो दिमाग ख़राब हो गया, वो बोलता है ये किसका है कौन था वो। मिनमिन बोलती कि तुमसे मतलब तुम्हारे साथ तो मेरी रिश्ता ख़त्म हो गया ना, तो मैं किसी के साथ भी कब हो जाऊँ तुम्हें क्या है। और सीसी बोलती कि लेकिन वो वाइल्ड मैन था। मिनमिन हंसते हुए बोलती कि फ़र्क पड़ता है क्या,
क्या, और रोंगसेन उसके ऊपर फाइल फेंकता है और उसकी खून भी आ रहा था। रोंगसेन बोल रहा था, मैंने तुमसे कैरेक्टरलेस औरत देखी नहीं है, बताओ किसके साथ तुम सो के आई थी। मिनमिन उसके पास जाती है और उसके बाद उसे देखते हुए उसके गाल पे हाथ लगाती है, बोलती कि एक बात बताओ, तुम्हें बुरा लग रहा है या फिर जेलस फील कर रहे हो? जो तुमसे ना हो पाया वो मैं किसी और के साथ करके आई हूँ। ये सुनने के बाद रोंगसेन को बड़ा गुस्सा आया। सीसी बोलते हैं चलो डिवोर्स पेपर साइन करो। मीनमिन बोलते हैं ठीक है, ऐसे भी तुम लोगों से मुझे पीछा तो छुड़वाना ही है। और उसके बाद वो डिवोर्स पेपर को उठाती है और वो अपने सर पे कुन को देखती है और बोलती है कि तुम दोनों को क्या लग रहा है, मैं तुम दोनों को इतनी ईजिली छोड़ने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, ये लो बोल के वो पहले तो डिवोर्स पेपर को छीनती है और उसके बाद उसे फाड़ती है और उन दोनों के मुंह पर फेंकती है। बोलती है कि इतनी जल्दी मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली हूँ, तुम लोगों ने मेरे पूरे फ्यूचर को ख़राब किया है, तो अब रेडी हो जाओ, तुम लोगों के साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे, ऐसा वो बोलती है। मिनमिन का ये बदला हुआ एटीट्यूड देखे तो रोंगसेन और शीशी दोनों ही शॉक में थे। मिनमिन उस मिसेस मैन को देख लेती है लेकिन दूसरे पल वो गायब हो चुका था। मिनमिन जब घर पे आती है तो वो मिसेस मैन मिनमिन को ऐसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे बोलते है तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, तुम्हें लॉक का चाबी कैसे मिला? ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे घर के अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ रोक सकता है? और उसके बाद उसके हाथ को पकड़ता है और सीधा उसे वॉल की तरफ पुश करता है। मिनमिन उसे पूछती है मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा हुआ था, मेरे ऑफिस पे क्या कर रहे थे? तभी मिसेस मैन बोलता है कि मुझे देख लिया और उसके बाद वो ऐसे वापस आता है और मिनमिन बोलते हैं मैंने जो तुमने बोला था वो कर लिया, अब मुझे उस वीडियो का बाकी पार्ट दिखाओ। ये सुनने के बाद जो मिस्टर्स मैन था उसे वीडियो दिखाता है जहाँ पर जब मिनमिन की मॉम ऐसे गिर गई थी, तो उसके बाद वहाँ पर रोंगसेन का व्हीलचेयर दिखाया जाता है और उसके बाद वो उसको छीन लेता है। और उसके बाद मिनमिन बोलती है रोंगसेन क्यों इन्वॉल्व है इन सब में? ये सुनने के बाद जो मिस्टर्स मैन था वो बोलता है आज के लिए इतना है, अब मैंने तुम्हें एक एविडेंस दिखा दिया, अब उसका इंटरेस्ट पे करने का टाइम आ गया। ये बोल के मिनमिन को और ऐसे किस करने लगता है लेकिन मिनमिन आज प्रिपेयर थी, उसके आंखों पे स्प्रे डालती है और बोलती है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ इसलिए सोई थी क्योंकि मैं बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन थी, लेकिन हमेशा मैं ऐसे बेवकूफ नहीं बनती। और उसके बाद वो सोचती है मैं अभी के अभी इसके मास्क को निकाल लूँगी और वो निकालने वाली थी तभी जो मिस्टर्स मैन था उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुमने रूल्स को ब्रेक कर दिया, अब आज के बाद मैं तुम्हारे आसपास नहीं मन रहूँगा, इवन मैं तुम्हारे मॉम के मौत का रीजन भी नहीं बता पाऊँगा, तो अब मैं ऐसे जा रहा हूँ। मिनमिन उसे रोकती है और बोलती है मुझे सच जानना है, तो मिस्टर्स मैन बोलता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, रेडी हो जाओ। एक वो कार देता है और वो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो अब कुछ ढंग का पहन लेना। और उसके बाद अब जो रोंगसेन था उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होने वाला है और वहाँ पर मुझे जाना है, मुझे उसकी आधी प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा वो बोलता है। मिनमिन बोलती है तुम्हें अच्छी तरह से पता है रोंगसेन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ। ये सुनने के बाद जो मिस्ट्रेस मैन था वो बोलता है मुझे वही करना है, वो किसी भी कीमत पे मुझे प्रॉपर्टी देगा, वो भी आधी प्रॉपर्टी, और ये मेरे प्लान का दूसरा हिस्सा है, ऐसा वो बोलता है। मिनमिन को इस मिस्ट्रेस मैन ने एक केक भेजा हुआ था रोंगसेन के ऑफिस में कि क्योंकि वो रोंगसेन की वाइफ हुआ करती थी तो उसे आधी प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी कीमत पे, इस मिस्ट्रेस मैन के रोंगसेन की आधी प्रॉपर्टी तो चाहिए होता है। और वो जाती है और उसके बाद वो बोलते मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए डिवोर्स के बदले में। ये सुनने के बाद रोंगसेन बोलता है कि अब मुझे लग रहा है मैं तुम्हारे जो असलियत है वो देख रहा हूँ। तभी मिनमिन बोलते हैं कि अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुमने मुझे धोखा दिया तो अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वही लबी डबी बन के रहूँगी? ऐसे भी तुम्हारे इस ऊपर मैंने 3 साल बर्बाद किए तो कुछ तो अर्जाना मिलेगा ना, मुझे चुपचाप प्रॉपर्टी दो। ये सुनने के बाद उसे बोलता है कि कोई बात नहीं मैं दे दूंगा लेकिन मेरे कुछ शर्तें, बोल के उसे पेपर दिखाता है जिस पे फाइल पे कुछ लिखा हुआ था। और मिनमिन उसके साइड पे वो मास्क देखती है जो मिस्ट्रेस मैन पहना करता था, ये देखने के बाद वो घबरा जाती है और उसका जो फाइल था वो गर्म पानी से टकरा जाता है और सीधा रोंगसेन के पैरों पे गिर जाता है, लेकिन रोंगसेन बिल्कुल हिलता नहीं है। मिनमिन अपने घर की तरफ जा रही थी, उसके माइंड पे यही चल रहा था कि कहीं वो मिस्ट्रेस मैन रोंगसेन तो नहीं, लेकिन वो क्यों होगा, क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा है और रोंगसेन मेरी मदद क्यों करेगा, वो ऐसे सोच के ना दिमाग खराब हो रहा था उसका। तभी वहाँ पर आता है
मिस्ट्रेस मैन, और उसे बोलता है तुमने काम किया, ये सुनने के बाद मिन मिन बोलते हैं हाँ मैंने काम किया, और उसके कुछ सर थे, ये सुनने के बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं ये तो मैं फील कर दूंगा, और उसके बाद मिन मिन सोचती है अब मुझे सच पता लगाना पड़ेगा, वो मिस्ट्रेस मैन को गले लगाती है और वो रोने का ड्रामा करती है, वो बोलती है जब से मेरी मॉम की मौत हुई है उसके बाद तो मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का अपनापन नहीं मिला, लाइफ में पहली बार तुम मुझे अपनापन दिखा रही हो, 3 साल तक मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी फिर भी उसने कभी अपनापन दिखाया नहीं। ये बोलते बोलते मिन मिन उसके हाथ, दोनों हाथ पे हथकड़ी लगा देती है, दोनों मतलब एक हाथ उसका एक हाथ अपना, और वो समझ जाता है ये इसके साथ ड्रामा कर रही थी, वो बोलता है तुमने रूल ब्रेक किया है अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, मिन मिन बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे तुम्हारा शक्ल देखना है उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी, बोल के उसके मार्क्स को ऑलमोस्ट उतारने वाली थी तभी जो मिस्ट्रेस मैन था उसे पीछे से ऐसे बैक से पकड़ लेता है, और उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने की ट्राई कर रहा था लेकिन तुमने सारा रूल तोड़ दिया, तो अब भूल जाओ तुम्हारी मॉम की कैसे मौत हुई थी वो भी तुम्हें नहीं पता चलेगा, इवन अब आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करूँगा। मिन मिन उसे बोलती है मुझे बस जानना है, मुझे डाउट है तुम रॉन्ग से नो, ये सुनने के बाद ओ मिस्ट्रेस मैन तो हंसने लगता है और वो बोलता है कि सीरियसली तुम्हें लगा मैं रॉन्ग से नो, एक बात बताओ तुम हर मैन में रॉन्ग से ढूंढ रहे हो, कहीं अभी भी तुम उससे प्यार तो नहीं करती ना, या फिर अभी भी उसे भुला नहीं पाई हो तो हर मैन में तुम्हें रॉन्ग से दिखाई दे रहा है। तभी मिन मिन बोलती है प्यार माई फुट, अगर तुम रोंगसेन होते ना तो मैं तुम्हारी जान ले लेती, ऐसी कोई भी बात नहीं मुझे सच जानना था। ये सुनने के बाद जो मिस्ट्रेस मैन था वो बोलता है असल में मैं उसके साथ पहले भी मिले जा चुका हूँ और उस टाइम पे मेरा मार्क्स उसके वहाँ पर गिर गया था और शायद वही इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं नहीं हूँ रोंगसेन ऐसा हो बोलता है। मिन मिन बोलती है मैं तुम्हारे बात पर कैसे भरोसा करूँ, ये सुनने के बाद जो रोंगसेन मतलब जो मिस्ट्रेस मैन था वो बोलता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं, ऐसे भी तुमने हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो ऐसे ख़राब कर दिया तो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे मॉम के डेथ के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा और मैं भी तुम्हारे आसपास नहीं आऊँगा, ऐसा वो बोलता है। वो जाने वाला था, मिन मिन उसके पीछे पीछे थी क्योंकि हथकड़ी तो उसने भी अपने हाथ पर लगाई हुई थी, तो वो तो सैंडल हाई हील वाला था, ऑफ स्लिप खाता है और वो गिरने वाली थी, मिस्ट्रेस मैन उसे पकड़ लेता है और उसकी बहुत करीब आता है, सीन यहीं पर कट होता है। मिन मिन ऐसे तो बड़े टेंशन में थी, तभी हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर शीशी आती है और उसके बाद वो बोलती है तुम जानना चाहती है ना वो मार्क्समैन कौन था, मेरे पास एविडेंस है, और उसके बाद वो बोलती है कि वो 5 साल से रोंगसेन की फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसने बस तुम्हें जरिया बनाया अपने मकसद तक पहुँचने के लिए। मिन मिन शौक में वो उसे कुछ फाइल दिखाती है और उसके बाद वो बोलती है कि इवन जो तुम्हारी न्यूड फोटोज है शायद उसने मुझे दिया हुआ है, एक बताओ 5 साल तक वो बंदा उस फैमिली को ट्रैक कर रहा था और उसने उसी दिन ये सब कुछ किया, तुम्हें बचाने का ड्रामा भी किया और तुम्हारा भरोसा भी जीता और इवन तुम्हारे वेडिंग पे तुम्हारे न्यूड फोटो मुझ तक पहुँचाए, वरना सोचो ऐसा कैसे हो सकता था कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो रहा था और मैं वहाँ पर पहुँच गई तो बहुत कुछ लिंक थे, ये मत सोचना कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम एक बार फिर से चीट हो गई हो। ये सुनने का तुम मिन मिन शौक में वो घर पर जाती है और वो ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर आता है मिस्ट्रेस मैन, उसे बोलता है चलो यहाँ से, तभी जो मिन मिन थी वो बोलती कि तुम हो कौन, और उसके बाद वो उसे बोलती कि तुमने भी मेरा इस्तेमाल ही किया हुआ है ना, बताओ तुम हो कौन चाहते क्या हो, ऐसे मुझे अब समझ में आ नहीं रहा मुझे तुम्हें ज़्यादा नफरत करना चाहिए या फिर रोंगसेन को, मुझे लगा था तुम मेरी मदद कर रहे हो लेकिन नहीं तुम भी उसकी तरह ही निकले, दुनिया के हर मर्द एक ही तरह होते हैं बस औरत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बताओ तुम कौन हो, तभी वो उसे बोलता कि मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। मिन मिन बोलती है तुम मेरा मदद करने का ड्रामा क्यों कर रहे हो जबकि तुमने मेरे न्यू फोटो मेरे मैरिज पे लीक करवाए थे तुम, तभी वो बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं मैंने नहीं करवाया, तभी मिन मिन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बात में बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, यहाँ से तुम दफा हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपनी मॉम की मौत के बारे में जो भी है खुद पता लगा लूंगी, ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो ऐसे उसे वहाँ से भगा रही थी तभी वो वहीं पर बेहोश, और मिस्ट्रेस मैन उसे हॉस्पिटल पर लेके आता है, हॉस्पिटल पर उसे एडमिट किया जाता है, बाद में पता चला
मिन तो 2 मंथ की प्रेग्नेंट है, यानी कि ये बच्चा मेरी मिस्ट्रेस वाले बंदे का ही था। वो खुश तो होता है लेकिन उसे समझ में आ नहीं रहा था इस बात को मिनमिन को कैसे बताए। तो वो मिनमिन का वेट करते करते वहीं पर सो गया था। मिनमिन जब आके खोलती है तो वो रियलाइज करती है उसके साइड पर वो बंदा था। तो ऑब्वियसली वो तो मार्क्स निकालने की ट्राई करेगी, तो उस केस में वहाँ पर उसकी आँखें खोलती है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो 2 मंथ। ये सुनने के बाद मिनमिन तो शॉक में, वो बोलती कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैंने तो बहुत कंट्रोल पी लिया हुआ था। तभी मिस्ट्रेस मैन बोलता है कि मैंने वो चेंज करवा दिया था। उसे बड़ा गुस्सा आया, वो उसे तमाचा मारने वाली थी। तभी मिस्ट्रेस मैन बोलता है कि तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, इन रिटर्न मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो भी तुम्हें चाहिए। तभी मिनमिन बोलती है कि अब मैं इस बच्चे को क्यों रखूँगी, और एक बात बताओ, जिस बंदे को मैं जानती भी नहीं हूँ, जिस बंदे के साथ मैं इसलिए सोई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था, तो अगर कोई बोलेगा कि उस बच्चे को रख लो तो मैं किस हक से रखूँगी, मुझे नहीं रखना, बोल के वो जाने वाली थी। तभी मिस्ट्रेस मैन बोलता है कि तुम्हें इस बच्चे को रखना पड़ेगा, इन रिटर्न मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए। मिनमिन बोलते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वहाँ से जाने वाली थी। वो उससे बोलती है कि अगर अभी के अभी तुम मुझे अपनी सच बताओगे, अपने असली नाम बताओगे और मेरी मॉम की डेथ का रीज़न बताओगे ना, तो मैं अभी के अभी इस बात के लिए मान जाऊँगी, बताओ। तभी वो बोलता है कि उसका कुछ रीज़न है, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारे बेबी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। सुनने के बाद मिनमिन बोलती कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ कि मुझे सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसी मैन के सहारे की जरूरत पड़े। अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बता सकते तो मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। आज के बाद तुम और मैं ऐसे रिएक्ट करेंगे कि कभी जान एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। सो अब हमें ये दिखाया जाता है मिनमिन और रोंगसेन में डिवोर्स हो जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है मिनमिन जब घर पे आती है तो वहाँ पर ऑलरेडी मिस्ट्रेस मैन था, वो उसे बोलता है जो सीसी के पेट में बच्चा है वो रोंगसेन का नहीं है। ऐसे नहीं बात, मिनमिन तो बड़ी खुश होती है, वो बोलती कि अगर उसका नहीं तो किसका है। मिस्ट्रेस मैन बोलता कि क्यों, तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या, उसका बच्चा वो नहीं है ये जानने के बाद। तभी मिनमिन बोलती है कि नहीं, मुझे जानना है बच्चा किसका है क्योंकि मुझे उसका सड़ा हुआ शक्ल देखना है, उसका एम्बैरेसमेंट वाला फेस देखना है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये पता लगाने में। मिनमिन बोलती है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ना हम उसी को पता लगाने दें। तो अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है मिनमिन जब रोंगसेन से मिलने के लिए गई हुई थी तो वहाँ पर उसे कॉल आता है किसी का, यानी कि मिसेस मैन का ही था। और वो कॉल में बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो बच्चा है वो तुम्हारा है नहीं, यानी कि किसी और मैन से प्रेग्नेंट होकर तुम्हारे ऊपर थोपने आई है। और हमें ये दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में एक पार्टी चल रहा होता है जहाँ पर बहुत बड़ा डील होने वाला था और मिनमिन अभी रोंगसेन को व्हीलचेयर के थ्रू ले जा रही होती है। और सीसी बोल रही थी ये क्या कर रहे हो तुम, इसको तुम आगे अपने आगे पीछे क्यों ला रहे हो। तभी मिनमिन बोलते कि तुम किस क्वालिफिकेशन से मुझे पूछ रहे हो, ऐसे भी मैं तो इसके एक्स वाइफ थी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब पूछना नहीं चाहिए, तुम इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो रहे हो, डोंट वरी मैं इसे नहीं ले जाऊँगी, मुझे कोई शौक नहीं इसको ले जाने का, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो मीटिंग ख़त्म हो जाता है और जो सीसी थी उससे रोंगसेन क्वेश्चन करता है कि सच में वो मेरा बच्चा है, और वो तो इतना ड्रामा करते, इतना ड्रामा, जैसे कि उसके आंखों से तो आंसू नहीं बल्कि नदियाँ बह रही थी। और उसे ये आइडिया हो जाता है कि किसी ने तो काम बिगाड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली अब सबसे पहला डाउट तो इसी पे लगने वाला था, यानी कि मिनमिन पे। तो वो मिनमिन को ऐसे रात के समय जब अकेले जा रही थी तो उसके पीछे तो स्टाप कर देती है। तभी वहाँ पर मिस्ट्रेस मैन आके मिनमिन को उठा के ले जाने वाला था और यही सही मौका देके सीसी उसका मास्क उतारती है। एंड गेस व्हाट, ये तो कोई और नहीं रोंगसेन था। और हमें ये दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे जब मिनमिन अपने आँखें खोलती है, वो इतनी गिल्ट में थी, इतनी गिल्ट में वो रो रही थी, लिटरली उसके जो सेल्फ स्टीम था वो पूरा तबाह हो गया था क्योंकि वो एक ही बंदे से 2 बार ऐसे धोखे खा चुकी थी। वो इतना बुरा फील कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैं इस ऐसे चीटर आदमी के साथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। और तभी रोंगसेन उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। तो दरअसल बात क्या थी ना, जो सीसी की फैमिली थी उन लोगों ने अभी रोंगसेन से
रोंगसेन की फैमिली के साथ कुछ ऐसे गेम खेला हुआ था बीच, जिसको सब कुछ हड़पने के लिए और वही सब कुछ पता लगाने के लिए रोंगसेन इतना डबल आइडेंटिटी वाला गेम खेल रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता चल चुका था शीशी का जो बच्चा है वो उसका है ही नहीं, और दूसरी बात जो शीशी थी उसके साथ चिपकने की ट्राई इसलिए कर रही थी ताकि माँ बाप उसको बाहर से अटैक करे या शीशी अंदर से खोखला करे। और उसके बाद वो ये सारी चीज़ें बता रहा था और वो बोल रहा था कि मेरा प्लान सब कुछ सही चल रहा था लेकिन बीच में तुम्हारा वो सब कुछ आ गया। ये सुनने के बाद मिनमिन को बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे प्लान तुम्हारे पंगे, लेकिन उनमें मुझे पता है कि क्या जरूरत थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बार बार धोखा देने की, ऐसा वो बोलती है। और तो जिंगसिंग था वो उसे बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कभी चीट किया नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिनमिन बोलते हैं लेकिन मैं नहीं करती, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो हर बार मैं एक मैन के सहारे जिंदा रहने की ट्राई करूँगी। तुमने मुझे दो बार बेवकूफ़ बनाया है लेकिन मैं वो गलती दोबारा फिर से रिपीट बिल्कुल नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलते हैं। सीसी वहाँ पर आती है और वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रंगसेन, तुम्हें पता है ना मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तभी रंगसेन हंसते हुए बोलता है कि उस दिन तुम मेरे साथ नहीं बल्कि किसी और मैन के साथ सोई थी, मैंने खुद अरेंज करवाया था उस मैन को। तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे फैमिली के साथ जो भी किया था उस बात की वजह से मैं वो सब कुछ सेटल करने के लिए सब कर रहा था, ऐसा वो बोलता है। और इसको तो इतना ह्यूमिलेशन फील होता है ना, मतलब एक तो इतना कुछ किया और मिला कुछ भी नहीं। और उसके बाद शीशी को ओ उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। बाद में फिर से रंग से वापस आता है मिनमिन के पास, उसे बोल रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल होगा, डोंट वरी मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और हम हमारे बच्चे को एक अच्छी लाइफ देंगे। मिन बोलते हैं किसने बोला मैं ये जो बच्चा है वो तुम्हारा है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कि इसके रोगों में जो खून है वो तुम्हारा होगा, डीएनए में तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारे साथ थोड़ा मैच होगा, इसके अलावा इस बच्चे का तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा बच्चा है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद मिनमिन तो ठान चुकी थी उसे कोई भी ऐसे माफ़ी नहीं देनी, क्योंकि इतना गंदा गेम जो खेला था उसके सो कॉल हस्बैंड ने। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो मिनमिन थी उसे रोंगसेन बोला था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी मॉम की डेथ के पीछे। मिनमिन बोलती कि उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सीन यहीं पर कट होता है। एंड गाइस एपिसोड के एंड में हमें ये दिखाया जाता है मिनमिन आते हैं रोंगसेन के पास और रोंगसेन को बोलती कि मुझे अपनी मॉम का मौत का रीज़न पता चल चुका है। और इवन यहाँ पर हमें पता चलता है जो सीसी की मॉम थी वो मिनमिन की स्टेप मॉम हुआ करती थी और उन्होंने उसकी मॉम को पैरालाइज करके उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया था और वो ऑक्सीजन वाला मास्क भी उन्होंने निकलवाया था। तो अभी जिन जिन लोगों ने गलत किया है उन सबको उनकी गलतियों का सजा मिल चुका था। और मिनमिन उसे बोलती है कि और तुम्हारा और मेरा चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म और ये मत सोचना कि कभी लाइफ में वापस मैं तुम्हारे पास आऊँगी या फिर तुम मैं चांस दूँगी, ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी क्योंकि तुमने एक औरत के सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया है और ये चीज़ कभी कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो उसका हस्बैंड करे या उसके पापा, ऐसा वो बोलती है वहाँ से निकल लेती है। और गाइस रोंगसेन पूरी लाइफ अकेले रह जाता है, मतलब उसकी एक गलती भी नहीं बोल सकते। आप लोगों को कैसा लगा बताओ, मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, क्योंकि नॉर्मल टिपिकल ड्रामे की तरह मैं इस बात से डर रही थी कि कहीं वो एंड में अपने हस्बैंड को माफ़ ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा ड्रामा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना थॉट आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जो कल रात को स्टार्ट किया था ड्रामा वो भी शाम तक मैं अपलोड जरूर कर दूंगी उसका लास्ट पार्ट। तो मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे ज़रूर बताओ इस छोटा सा ड्रामा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।